इस संदर्भ में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनको एक व्यक्तिगत पत्र भी लिखा है और उनको मैंने ये निवेदन किया है कि इस विषय के ऊपर पूरी आप गहराई के साथ ध्यान भी दें। अपनी तरफ से हमने उनको सब प्रकार के सपोर्ट की, सब प्रकार की सहायता के लिए आश्वासन दिया है और अभी आप चांस की बात है कि अभी पिछले आधा घंटे में मैं अपने ऑफिस में उनको फ़ोन पे भी बात करने की कोशिश कर रहा था, मेरी फ़ोन पे बात नहीं हुई। आज दिन भर में अगर बात हो गई तो मैं यही बात उनको फ़ोन पे भी कहने वाला हूँ। हमारी तरफ से देखिए जो भी सपोर्ट हो सकता है वो हम देंगे और जो वहाँ पर थोड़ा सा जो मौतें वगैरह हुई हैं पिछले वर्षों के मुकाबले उसका जो नंबर है वो निश्चित रूप से ज़्यादा है, लेकिन इस विषय के ऊपर सभी संबंधित लोगों को, वहाँ की सरकार को, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय को, अस्पताल के प्रशासन को और जो भी वहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं सब लोगों को उसकी गहराई में जाकर और कोई भी गैप है, कोई भी कमी है उसको तुरंत पूरा करना चाहिए। उस कमी को पूरा करने में अगर जो वहाँ की सरकार अपने आप को सक्षम नहीं समझती, उसको केंद्र की किसी भी सहायता की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर न्यू इक्विपमेंट्स। हमने अपने पत्र में सब चीज़ों के बारे में लिखा है जो हमें फीडबैक्स मिले हैं कि क्या क्या चीज़ों की वहाँ कमी है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो इसको और गंभीरता से लेंगे। इस बारे में जो हमारे लोकसभा के स्पीकर महोदय हैं वो भी वहाँ पर गए हैं, उन्होंने भी जो है लोकसभा में मीटिंग बुलाई थी, हमारे सारे अधिकारियों को बुलाया था, मुझे भी बुलाया था, मैंने उनको भी सारा ब्रीफ किया है, उन्होंने भी जो है हर प्रकार की वहाँ पे सपोर्ट को मोबिलाइज करने के लिए आश्वासन दिया। तो हम सबका अभी देखिए वहाँ पे दुखद घटना हुई है, इतने सारे बच्चों की मौत होना ये कष्टदायक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक प्रकार से आई ओपनर है कि कोई कमी है तो उसको तुरंत दूर करना चाहिए। सर पर अकाउंटेबिलिटी भी बनती है कि अकाउंटेबिलिटी वगैरह तो देखिए सब कुछ स्वाभाविक है ना, सब कुछ स्वाभाविक है ना जो है। सर कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी जाएगी क्या? नहीं नहीं अभी देखिए वहाँ पे हमारे जो भारत सरकार के लोग हैं वो सारा डिटेल में उसको अध्ययन कर रहे हैं विषय को।